नागपुर में हत्याओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अब एक चौंकाने वाली हत्या का मामला सामने आया है जिसमें एक पिता ने ही अपने 10 साल के बच्चे को मार डाला है। जी हां, कोराडी पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा आगे की जाँच जारी है। रविवार दोपहर करीब 3 बजे खुद के बेटे के एक पिता ने हत्या कर दी। इस पिता ने अपने 10 साल के बेटे का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। अपने ही बेटे की हत्या करने के बाद वह अपनी 12 साल की बेटी को लेकर घर से निकल गया। उसने यह दावा करते हुए पुलिस को भी फोन किया कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। कोराडी पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध के शव को संदिग्ध पाया। जब पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन हत्या की वजह हैरान करने वाली है। लड़के की माँ उसे छोड़कर चली गई थी। पिता ने कहा कि लड़का दिन भर गांव में घूमता रहता था और पिता की बात नहीं मानने पर पिता ने गुस्से में उसका गला दबाकर उसे मार दिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। बरोबर रविवारी आहे ना, ते साधारणतः दुपारी 3 वाजेची घटना आहे। त्याने 3 वाजता आपल्या मुलाला मारलं आणि 12 वर्षाच्या मुलीला घेऊन तो माधुर्याला चालला गेला। त्याच्यानंतर 5 तासानंतर तो परत आला आणि बनाव केला की बाबा मुलगा शोधा। नंतर मुलीला त्याने घराचा दरवाजा उघडायला सांगितला। मग स्थानिक कोराडी पोलिसांनी त्याला बरेच प्रयत्न केले विचारायचे की बाबा कसं झालं काय झालं, पण तो बाध्य येत नव्हता। इवन SCP साहेब यांनी पण त्याला खूप विचारपूस केली, आमच्या युनिटवाल्यांनी पण विचारपूस केली। मग मी काल जेव्हा घटनास्थळाला भेट दिली, खूप बारकाईने निरीक्षण केलं, तर माझ्या असं लक्षात आलं जो घराचा दरवाजा आहे त्याला तुम्ही बाहेरून आतल्या बाजूची कडी लावू शकता किंवा काठी लावू शकता। नंतर असं लक्षात आलं की त्या जी मुलगी सांगत होती की बॉडी इथं पडलेली आहे, तर एकतर बॉडी आत्महत्या केलेलं आहे असा बनाव दाखवलेला आहे। आत्महत्या केली तर ते दोरी तुटत नाही, तुटली तरी गळ्यात राहतेच। तर असं 2-3 मुद्दे माझ्या लक्षात आले की हे तर बनाव आहे असं वाटलं। मग पोलीस स्टेशनला परत आलो, त्याला खूप प्रश्न विचारले आणि मग शेवटी त्याने माझ्याजवळ कबुली दिली की हो साहेब मी केलेलं आहे। त्याला कारण विचारलं तर 5-6 वर्षापूर्वी त्याची बायको चालली गेलेली आहे आणि ह्या दोघं लहान लहान मुलांचं सांभाळ तोच करत होता। तर त्याचं म्हणणं होतं की हा मुलगा ऐकत नव्हता बाबा, गावात उन्हाळक्या करत फिरायचा, मग गाववाले मला बोलायचे, शिव्या द्यायचे, मग मला गुस्सा आला। काल पण त्याला काम सांगितलं म्हणे मी की कपडे धु, पाणी आण, ऐकलं नाही। तर त्या गुस्स्यामध्ये मी त्या दोरीने त्याचा गळा आवडला आणि बॉडी टाकून चालला गेलो। अशा प्रकारे मी तो उघडकीस आणला आहे। गुन्हा क्या नाम है आपका? अनिता मनाव। मुझे बताइए ये जो बच्ची जो जिनकी डेट हुई है, बच्ची की डेट हुई है, लड़का है, तो उनका पूरा नाम क्या है? उसका नाम आप गबरू गबरू बोलते थे सर, उसका नाम गुलशन था। गुलशन नाम था? हाँ, गुलशन। उनके पिताजी का नाम क्या है जिन्होंने उनको मारा है? संतलाल मनारी। ये एड्रेस कहाँ का है, कहाँ रहना है इनका वाला? पूरा देवी। आप उनके कौन लगते हो? मैं चाची लगती। चाची लगते हो? कहाँ रहना है आपका? हम बमनी फाटा में रहते। बमनी फाटा में रहते। बहुत बहुत मारते थे क्या उनको? सर पता चला हमको यहाँ आने के बाद में, बहुत मारते थे बोलते। आपको कब मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा घटना हो चुकी करके? ये नहीं, ये हमारे आने के बाद में हम लोग घर में गए ना, तब पता चला हमको ये लड़की ने दरवाजा खोली तो दिखा उसका पैर, तो इनने फिर हला के देखी तो नहीं उठा वो, तो इनने पानी डाली उसकी मुंडी में, नहीं उठा फिर भी। तो इसने अपने पापा को बोली कि गबरू उठ रहा नहीं है, बोले गबरू नहीं उठ रहा, बोले तो उसने बोला ठीक है, बोले उठा के उसने दरवाजे के बाहर लाया, तो बोले कैसा हो गया करके, तो मैं घबरा गई। तो फिर मैंने मोबाइल का तार जलाई तो उसने देखा तो क्या बोलता है, नहीं बोले ये तो मेला बोलते गेला, ऐसे बोलने लगा। हमारी जान घबरा गई तो हम रोने लगे, हम तो हमारे हाथ में थैला ही था सर, हम आए थे तो बच्चे की, वो जो बच्चा है उसकी उम्र क्या है? 10 साल की होंगी सर। स्कूल जाते है क्या वो? स्कूल जाता था सर। उनकी मम्मी नहीं है ना? मम्मी चली गई, मम्मी भाग गई। हम पहली बार आए थे सर, उनको वो लड़का को मैंने पहली बार देखी। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।